1895 में एम्प्रेस मिल की नई इमारत का उद्घाटन समारोह हुआ, जिसके दौरान जमशेद जी ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। दलदल से भरी इस जगह को हम सब ने मिलकर एक खूबसूरत रूप दिया। कामयाबी का हाथ पकड़कर आज ये मिल इतनी बड़ी हो पाई है और इसका आप सभी को श्रेय जाता है। आपके सहयोग के बिना ये कभी नहीं हो पाता। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने मिल में ये करवाया, कर्मचारियों के लिए फलाना सुविधाएं शुरू की, पर मुझे नहीं लगता मैं औरों से ज्यादा उदार, निस्वार्थ या परोपकारी हूं। ये जो भी है आपका है, आपके लिए है, और आपके बिना ये शून्य है। मैंने तो बस जो मेरी मिल में काम कर रहे उन सभी अपनों को एक बेहतर कल देने की कोशिश की है। आपको सभी सेवा और सुविधाएं देने के पीछे आपके साथ साथ इस मिल का भी तो फायदा है। मुझे लगता है भागधारकों का हित और कर्मचारियों का आरोग्य एवं कल्याण हर कंपनी की कामयाबी की नींव होती है, और मैं उस नींव को मजबूत बनाना चाहता हूं। इसलिए यूं समझिए, आपको जो सब मिला है वो सब आपका हक है, और आपके विकास में ही मेरा और इस मिल का हित है। आप ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और आपके और अपनों के लिए एक बेहतर कल का निर्माण करेंगे। जमशेद जी ने हमेशा अपनी कामयाबी का श्रेय अपने कर्मचारियों को दिया। एम्प्रेस मिल यूं ही बड़ी होती रही। आगे 1901 में एम्प्रेस मिल नंबर 3 का उद्घाटन हुआ, पर उससे पहले कई बातें हुईं। वो सब जानने के लिए हम अपनी कहानी को आगे जारी रखते हैं। 1878 में एम्प्रेस मिल का व्यवस्थापक पद छोड़कर जमशेद जी ने बेजन जी मेहता को मिल व्यवस्थापक बनाया। एम्प्रेस मिल एक जिम्मेदार और होशियार हाथों में जा रही है, ये वो जानते थे। बेजन जी पर उनका पूरा विश्वास था। उन्होंने बचपन से उनके काम के प्रति जज्बे को गौर से देखा था। कुछ साल बाद जमशेद जी ने कहा था, जिस दिन बेजन जी मेहता को एम्प्रेस मिल का व्यवस्थापक बनाया गया, वो दिन मिल के उज्जवल भाग्य का दिवस था। 1878 में जमशेद जी ने अपने परिवार के साथ मुंबई जाने का फैसला किया। उस समय किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी कामयाब मिल होने के बावजूद जमशेद जी सब कुछ बेजन जी के हवाले करके क्यों नागपुर छोड़कर मुंबई जा रहे हैं। पर सच कहें तो उन्हें यहीं थोड़े ही रुकना था, उन्हें तो अभी बहुत आगे तक जाना था। 1880 के दौरान राष्ट्रहित जागृति का समय था। भारत की बेमिसाल संपत्ति ब्रिटिश लूट कर अपने देश ले जा रहे थे और इसे रोकने का कोई जरिया नहीं था। इसमें ब्रिटिश सरकार विदेशी माल भारत में बेचकर मुनाफा कमा रही थी। ऐसे में हमारे देश में बनाई चीजों को बढ़ावा देना और देश विदेशों में निर्यात कर देश में पैसा लाना जरूरी था, ये सभी उद्योजक समझ चुके थे, और तभी हुई शुरुआत स्वदेशी आंदोलन की। जमशेद जी स्वदेशी आंदोलन से बहुत प्रभावित थे और वो भी इससे जुड़ना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी अगली कॉटन मिल का नाम स्वदेशी मिल रख दिया। स्वदेशी मिल के लिए उन्होंने मुंबई के विक्टोरिया गार्डन के पास एक जगह भी खरीदी, पर तभी उन्हें पता चला धर्मसी मिल घाटे में चल रही है और उसके मालिक उसे बेचना चाहते हैं। एक समय में धर्मसी मिल मुंबई कुर्ला की सबसे बड़ी कॉटन मिल थी। जमशेद जी ने 1886 में मोल भाव के बाद 12.5 लाख रुपए में धर्मसी मिल को खरीदा और उस मिल की पुरानी शान वापस दिलाने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया। धर्मसी मिल 4 साल से घाटे में चल रही थी। इसके बावजूद उन्हें इस मिल में निवेश करना सही लगा, क्योंकि वो अपनी मूल कीमत के 1/6 हिस्से में मिल रही थी। साथ ही ये मिल एक फ्री होल्ड जमीन पर बनी थी। उन्होंने सबसे पहले मिल का नाम बदलकर स्वदेशी मिल रखा। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह सौदा बड़ा फायदेमंद रहा, पर आगे चलकर एक एक बात सामने आने लगी। जमशेद जी, क्या हमें यह सौदा महंगा पड़ा? हाँ, लगता तो है। समस्या क्या है? मुझे लगा था यहाँ की पुरानी मशीन्स पर काम चल जाएगा, पर ये तो बिल्कुल बेकार निकली। इतनी ही परेशानी है ना,
नहीं, अभी अभी पता चला है, धर्मसी मिल जब से शुरू हुई थी तब से 4 बार दिवालिया हो चुकी है। सच में? हाँ, बड़ी मिल होने की वजह से यहाँ हमेशा लेबर्स की कमी रहती है, अच्छे कारीगर नहीं है, मशीनरीज भी पुरानी है, इस वजह से कपड़ा अच्छा नहीं बन पाता। अब तो ऐसी स्थिति है कि खरीदारों को भी यहाँ के माल पर विश्वास नहीं है। तो हमारा सारा पैसा गया पानी में? अरे नहीं, आप चिंता ना कीजिए, मैं हूं ना, मुझ पर थोड़ा विश्वास रखिए और मुझे जरा समय दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। धर्मसी मिल को खरीदना जमशेद जी के लिए बहुत भारी साबित हुआ था। 2 साल बाद हालात इतने बुरे थे कि कंपनी भागीदारों को मुनाफा देने में असफल रही और मिल के शेयर की कीमत 1/4 रह गई। दरअसल खराब मशीनरी की वजह से प्रोडक्ट भी कुछ खास नहीं बन पाया। इसके बावजूद जमशेद जी ने उसे चाइना में बेचने की कोशिश की, जो असफल रही और कंपनी को नुकसान हुआ। जमशेद जी ने अपने टाटा समूह के सलाहकारों की बात को न मानते हुए इस मिल में निवेश किया था और वो अपनी इस गलती को मानते भी थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने जीवन में कभी गलतियां की ही नहीं थी, वो भी इंसान थे, वो कभी कभार गलत साबित होते थे, पर उन गलतियों से सीखकर वो उन्हें सुधारना भी जानते थे। बात पैसों की नहीं थी, बात थी टाटा ग्रुप के नाम की, विश्वास की, जो आज तक भागीदार, कामगार और ग्राहक उन पर करते आ रहे थे। उन्हें बस किसी भी कीमत पर उस विश्वास को कायम रखना था। स्वदेशी मिल को बचाने के लिए जमशेद जी ने अपने निजी संसाधन बेचकर पैसे लगाए, अपनी खुद की सारी जमा पूंजी लगाई और पैसा जुटाने के लिए बैंक में ओवरड्राफ्ट मांगा। परिवार के लिए जो निधि जमा रखी थी उसे गिरवी रखकर उन्होंने पैसा उठाया, यहां तक के नागपुर की एम्प्रेस मिल के अपने कुछ शेयर भी बेच दिए। इन पैसों से उन्होंने स्वदेशी मिल में एक नया बॉयलर लगाया, नए शेड बनवाए। स्वदेशी मिल की कपड़ा बनाने की क्षमता उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा थी, क्योंकि वहां 1300 माग और 1,00,000 स्पिंडलर मशीन्स थी। जमशेद जी ने जितनी हो सकती थी उतनी मशीन्स को सुधार कर उन्हें आधुनिक बनाया और कुछ नई आधुनिक मशीनरी भी खरीदी। अब इतनी ज्यादा मशीनें हैं तो ज्यादा कामगारों की भी जरूरत थी और इतने ज्यादा कामगार मिलना आसान नहीं था। उन्होंने उसका भी हल निकाला, व्यसन मुक्ति करने वाले सेवाभावी संस्थाओं से संपर्क किया और वहां के इच्छुक लोगों को काम दिया, पर ये योजना कुछ काम नहीं आई। आखिरकार उन्होंने जरूरतमंद पड़ोसी प्रांतों में कामगारों के लिए दरख्वास्त की। उन्होंने उस समय के संयुक्त प्रांत के राज्यपाल को एक खत लिखा। महोदय, हमारी स्वदेशी मिल में कामगारों की जरूरत है, अगर बाहरी प्रांत के लोग आने के लिए तैयार हैं तो उन्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी, उनका यहाँ पूरा ख्याल रखा जाएगा। प्रशिक्षण के माध्यम से अगर वो एक अच्छे कारीगर बनते हैं तो उन्हें हम अच्छी तनख्वाह देंगे, तब तक उन्हें रोजगार, सुरक्षा एवं सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके बाद जमशेद जी ने नागपुर मिल के कुछ अच्छे कामगारों को स्वदेशी मिल में नए लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए बुला लिया। धीरे धीरे स्वदेशी की गाड़ी पटरी पर आने लगी, पर दूसरी ओर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन वो नागपुर की एम्प्रेस मिल में कामकाज देखने के लिए गए और अचानक चक्कर आकर गिर पड़े। तब उनकी उम्र 50 साल भी नहीं थी। डॉक्टर ने उन्हें ब्रांडी पीने की सलाह दी, मगर जमशेद जी नशे के सख्त विरोधी थे। नशा मुक्ति के लिए काम करने वाली संस्थाओं की वो हमेशा मदद करते थे। इस वाकये के बाद जमशेद जी बीमार से रहने लगे। इसी बीच 1897 में उन्होंने मुंबई में अपने परिवार के लिए समंदर के किनारे एक आलीशान घर बनाया, पर दुर्भाग्य से उसी दौरान नुसेरवान जी का देहांत हो गया। जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं तब हिम्मत से काम लेना जरूरी होता है। जमशेद जी भी कुछ दिनों के लिए शोक में थे, पर उन्होंने दोबारा शुरुआत की। आखिर उन पर अब हजारों कामगारों की जिम्मेदारी जो थी, इस सब के बावजूद उन्होंने अपनी सूझबूझ से और आधुनिक मशीन्स की मदद से स्वदेशी मिल में दुनिया का बेहतरीन कपड़ा बनाया। कुछ विदेशी कंपनियां अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी की मदद से सस्ता माल बेचती थीं।
जब जमशेद जी को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने विदेशी प्रतिस्पर्धियों को टक्कर देने के लिए और अपने कपड़े को सस्ता एक्सपोर्ट करने के लिए सन 1873 में एक शिपिंग कंपनी भी शुरू की। इसके लिए उन्होंने लंदन से एनी बरो नाम के एक जहाज को किराए पर लिया था। जापान की निपोन यूसेन काइशा लाइन के साथ उन्होंने टाटा लाइन की शुरुआत की थी। हालांकि यह कंपनी लंबे समय तक नहीं चल पाई, पर उस समय टाटा लाइन ने प्रतिस्पर्धियों को पूरी टक्कर दी। साथ ही बेहतरीन कपड़ा बनाने के लिए वो इजिप्ट से रुई की खेती की तकनीक और बीज ले आए। भारत में दोबारा रेशम उद्योग बढ़े, इसलिए वो जापान से कुछ विशेषज्ञों को ले आए। पचगनी में कॉफी की खेती का प्रयास किया, और ये सब वो अपने लिए नहीं देश के लिए भी कर रहे थे। वो इस देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। इन सभी कोशिशों के चलते अगले 10 साल के अंदर स्वदेशी मिल कपड़ा उद्योग का एक चमकता सितारा बन गई। विदेशों में स्वदेशी के कपड़े को सबसे ज्यादा भाव मिला और स्वदेशी के दुनिया भर में चर्चे हुए। गलती करना इस बात का प्रमाण होता है कि आप कोशिश कर रहे हैं। जिन गलतियों से हम कुछ सीखते हैं वो केवल गलती नहीं एक सीख है। तो इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके टू डू समथिंग यू विश यू वुड हैव नेवर डन, बिकॉज इफ यू डोंट डू दोस थिंग्स वी नेवर ग्रो। आखिरकार जमशेद जी ने अपनी जिद पूरी की, गलती को सुधारा और स्वदेशी मिल के माध्यम से देश का नाम दुनिया में रोशन किया। पर अभी तो उन्हें बहुत कुछ करना था, ये तो बस बिजनेस था, असली सपने पूरे करना अभी बाकी थे। कैसे शुरुआत हुई भारत के मशहूर होटल ताजमहल पैलेस की, जानने के लिए सुनते रहिए आयरन विल द जमशेद जी टाटा स्टोरी।